दोस्तों, डायनासोर्स का समय हमारी पृथ्वी का वो स्वर्णिम युग था जिसे पृथ्वी का जीवन का पहला चरण भी माना जा सकता है। आज हम इसी युग के पांच सबसे खतरनाक और भयानक डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो में नए हो तो पहले लाइक कर दो यार। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, नंबर पांच पर आता है गिग्नेटोसॉरस। दोस्तों, ये टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस की तरह काफी खतरनाक शिकारी और मांस भक्षी था। कई शोधकर्ता इसे सबसे ज्यादा मांस खाने वाला डायनासोर भी मानते हैं। अपने शिकार पर सबसे घातक वार करने के मामले में यह टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस को कड़ी टक्कर देता है। आकार की बात करें तो यह टीरेक्स से बड़ा और स्पाइनोसॉरस से छोटा होता था। अब तक मिले जीवाश्म के आधार पर इसका आकार लगभग 50 फीट तक था और वजन लगभग 15 टन के आसपास था। इसके अलावा इसका मजबूत जबड़ा इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता था। दोस्तों, नंबर चार पर आता था स्पाइनोसॉरस। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर की उपाधि स्पाइनोसॉरस को दी जाती है। यह 10 से 9 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौजूद थे। धरती पर घूमती यह विशालकाय छिपकली किसी काल से कम नहीं थी। अपने रास्ते में आने वाले हर जीव का शिकार करने का दम इस डायनासोर में था। स्पाइनोसॉरस लंदन में चलने वाली डबल टेकर बसों से डेढ़ गुना बड़ा डायनासोर था, जिसकी लंबाई तकरीबन 18 मीटर यानी 57 फीट और वजन लगभग 23 टन के आसपास था। दोस्तों, नंबर तीन पर आता था लियोप्लेरिडॉन। दोस्तों, लियोप्लेरिडॉन मोसासॉरस के विकसित होने से पहले समुद्र पर राज करता था। दोस्तों, इसका जीवन काल केवल 1 करोड़ वर्ष का था। यह एक समुद्री सरीसृप था जिसे प्लायोसॉर भी कहते थे। पानी में इसके तैरने की रफ्तार बहुत तेज थी। इसकी रफ्तार का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में जो ग्रेट व्हाइट शार्क होती है उससे भी ज़्यादा तेज चलता था। दोस्तों, इसके चार लंबे पंख थे जो इसे तैरने के लिए ज़्यादा बल प्रदान करते थे। दोस्तों, इसके आकार की बात करें तो 75 फीट के आसपास था और इसका जबड़ा लगभग 15 फीट के आसपास था। दोस्तों, इसके बाद नंबर दो पर आता है द मोसासॉरस। दोस्तों, मोसासॉरस को आपने 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म में द जुरासिक वर्ल्ड में तो ज़रूर देखा होगा। सागर की गहराइयों में रहने वाला यह डायनासोर काफ़ी खतरनाक शिकारी था। मोसासॉरस एक समुद्री जीव था जो जुरासिक काल में विकसित हुआ। यह धरती पर 14 से 6.5 करोड़ साल पहले के समय में पाया जाता था। यह इतना खतरनाक था कि यह शार्क को स्नैक्स की तरह चबा सकता था। इसके आकार की बात करें तो यह लगभग 56 फीट तक लंबा होता था, जो समुद्र की गहराइयों में दानव बनकर घूमता था। अन्य डायनासोर तो भूमि पर अपना आतंक मचाते हैं, लेकिन यह समुद्र में राज करता था। दोस्तों, नंबर एक पर आता था ट्राइनोसॉरस रैक्स, जिसे हम टी रैक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक डायनासोर की श्रेणी में इसे पहला स्थान प्राप्त है। ट्राइनोसॉरस का अर्थ होता है ट्राइन लिजार्ड, जिसे हम अपनी भाषा में खूंखार छिपकली कह सकते हैं। दोस्तों, टी रैक्स 23 फीट ऊंचा और 37 से 45 फीट तक लंबा होता था। इसका वजन करीबन 12 टन का होता था। शोधकर्ता इसे जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मांस पक्षी मानते हैं। इसके जबड़ों में इतनी ताकत होती थी कि यह एक बार अपने जबड़ों से 13,000 पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता था। दोस्तों, बल के साथ साथ टीरेक्स काफ़ी बुद्धिमान भी था। यह अपने शिकार को घात लगाकर मारता था। यही कारण था कि यह उस समय का सबसे खूंखार शिकारी था। इसके अलावा इसके लार में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद थे जो शिकार को धीरे धीरे मार लेते थे। दोस्तों, दुनिया के पांच सबसे खतरनाक डायनासोर के बारे में जानकर आप